अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, लेट हो गए आज। जी बस आते आते देर हो गई। ये तुम एक और पेंटिंग उठा लो। आरिश तुम्हें हो क्या गया? और ये पेंटिंग्स का शौक कब से हो गया? तुम्हें आर्ट में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? एक तो तुम हर बात की इंक्वायरी शुरू कर देती हो। खुश नहीं हो सकती घर में कोई नई चीज आई है? नई चीज? ये कोई चीज नहीं है, ये नए चौंचले हैं। बेटा ठीक कह रही है सबा, क्या जरूरत है तुम्हें रोज पेंटिंग्स खरीदने की? ये अमीरों के शौक होते हैं बेटा। अम्मी आप लोगों को हो क्या गया है? इस घर को जेबू का घर बनाने की कोशिश ना करो आरिस। ये तुम हर बात में जेबू को क्यों ले आती हो? क्योंकि जेबू ही तो हर वक्त इस घर में रहती है। कभी तुम उसको फोन करते हो, कभी तुम उससे मिलने जाते हो, तुम हमेशा जेबू की यादों में ही खोए रहते हो। बस कर दो सबा, बात को कहां से कहां ले जाती हो तुम। यही तो बुरी आदत है इसमें। जी दुनिया की सारी बुरी आदतें सबा में ही तो है, आप दोनों की तो कभी कोई गलती नहीं होती। लगाओ अपनी पेंटिंग। देख लिया अम्मी, इसको समझाना ही बेकार। जानती हूँ बेटा।